एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट, एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट। बेटा मैनी टाइम आई टोल्ड यू अबाउट द कम्युनिस्ट दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या होता है बेटा? आइडियोलॉजी होती है। इन दिस वी गेव द प्रेफरेंस टू द सोसाइटी। ओके, द कम्युनिस्ट वर द मेन एनिमीज ऑफ हिटलर। द कम्युनिस्ट वाई बेटा? बिकॉज द कम्युनिस्ट गेव द इक्वल राइट टू एवरीवन, बट द हिटलर गेव द प्रेफरेंस टू द नाजीज ओनली। दैट्स वाई द कम्युनिस्ट कम्युनिटी वॉज द एनिमी ऑफ द हिटलर एट दैट टाइम। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट वर सेंट टू न्यूली इस्टेब्लिश कंसनट्रेशन कैंप्स। द सप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज अब इन हिटलर रिजाइन। अब बेटा क्या है, क्या है जितने भी आपके क्या है कम्युनिस्ट जितने भी पर्सन्स थे हु बिलीव इन द सोशलिज्म, हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी, ऑल दीज पीपल सेंड टू द कंसनट्रेशन कैंप्स। हियर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द कंसनट्रेशन कैंप्स। कंसनट्रेशन कैंप्स क्या थे? ए कैंप्स वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कंसंट्रेशन बेटा कैंप क्या होता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसमें सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ पे उनके साथ अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। अलग से ट्रीटमेंट का मतलब है उनके लिए कोई भी जो कंट्री में रूल रेगुलेशन होते हैं वो उनके साथ लागू नहीं होते, ठीक है, और उनको अलग से सेपरेट रहना पड़ता है, सेपरेटली रहना पड़ता है। गोट इट बेटा? जैसे मार्शल लॉ था ना, अंडर द मार्शल लॉ अगर कोई पर्सन मोर देन 4% कलेक्ट होते थे, गैदर होते थे, उनको विदाउट केस के क्या कर देते, हम अरेस्ट कर देते। सेम थिंग यहाँ पे था। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? आइसोलेट प्लेस होते हैं, उनमें कम्युनिस्ट सोसाइटीज को कम्युनिटी को सेंड कर दिया और वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता था, ठीक है, उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता था ताकि वो क्या हो, या तो हिटलर की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर ले या फिर मतलब जर्मनी को छोड़कर कहीं और चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एनेबलिंग एक्ट, द इनेबलिंग एक्ट। द इनेबलिंग एक्ट क्या है बेटा? ऑन द थर्ड मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड विच गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। इट मीन्स द इनेबलिंग एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन थर्ड मार्च 1933 को क्या हुआ? यहाँ पे बेटा यू कैन राइट डाउन आपका 3rd March 1933 को जो डिक्री लॉ था वो क्या हो गया, एक्ट था वो पास हो गया। अंडर द डिक्री लॉ ऑल द पावर्स विच वॉज इन द हैंड ऑफ द सिविलियंस दे रिमूव एंड ऑल द पावर्स नाउ सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ द हिटलर। ओके बेटा, दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी। ऑल पोलिटिकल पार्टी एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड, क्योंकि अब सारी पावर्स किसके हाथ में थी? हिटलर के हाथ में थी। और हिटलर ने क्या किया, जो जितने भी पावर्स से फ्रीडम थी वो सभी की क्या कर ली, वापस ले ली, ठीक है। द नाजी स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पॉलिसीज इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, द नाजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस गेस्टापो, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज। इट मीन्स जो भी अदर बेटा जो भी क्या करते हैं, आप किसके हाथ में थी सारी पावर? हिटलर के हाथ में। अब जो भी पर्सन हिटलर का क्या करता, अपोज करता, उसको गेस्टो रूम्स में गेस्टेपो बेटा एक क्या था, रूम्स में रूम्स बनाए जाते, चैम्बर बनाए जाते जहाँ पे गैस को रिलीज कर देते और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक होने से उनकी डेथ हो जाती, मतलब उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता। इसके अंडर द इनेबलिंग एक्ट सारी पावर्स क्या कर दी गई, छीन ली गई। अब डिक्टेटरशिप के जो फंडा जो आपके बेसिक पॉइंट्स है वो सारे क्या हो गए, ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। और इसके अंडर क्या किया गया, चैम्बर्स बनाए गए, गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल एट अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स।
ठीक है, मतलब इनेबलिंग एक्ट क्या था, इनेबलिंग एक्ट के अंडर ऑल द पावर्स इज गिवन टू द हिटलर एंड नाउ हिटलर मेक्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंप्लीट जर्मनी. ओके एंड नाउ द हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द जर्मनी बेटा. गोट इट? अब वही क्या था आपका, लेजिस्लेचर भी हिटलर था, एग्जीक्यूटिव भी आपका हिटलर था, और क्या जुडिशरी भी क्या बन गया, हिटलर ही बन गया. ठीक है, तो उसने ऐसे रूल्स पास किए किस टाइप के बेटा, दैट नाउ ओनली द नाजी कम्युनिटी कैन स्टे इन द जर्मनी एंड द अदर कम्युनिटी कैन लीव और अदरवाइज द हिटलर विल किल्ड देम. गोट इट बेटा? इट वॉज द एक्ट विच वॉज डन बाय द हिटलर. ओके, टिल नाउ इफ एनी टाइप ऑफ क्यूरी टू यू देन यू कैन आस्क टू मी. गोट इट बेटा? यू कैन कमेंट.